कैसे गुजारा हो सकता है, हम तो रोने पर मजबूर हो गए हैं, भीख मांगने पर मजबूर है, भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अल्लाह पाक इनको कोई हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है, इन्होंने तो खाना ही खाना है। वोट किसे डालेंगे यार? किसी को नहीं डालना है, बस फिनिश। हर चीज़ जो हमारी पहुँच से दूर है, ऊपर से ये बिजली जो है इसका बम गिराई जा रहा है हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये फिल फोर जो आपको इनको वापस लेना चाहिए। इमरान खान साहब कैसे सी? वो सारे फराड़ी ने किए गए ना, एक बार फेर करके थारा वो सारे फराड़ी गए ने, जिन्हें भी बंदे ने किए गए ने फराड़ी। इमरान खान को वो आया, चार दिन अपना टाइम गुजार के चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आना नासिर। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान की हदूद पर। नाज़रीन, बिजली का बिल जो है, बिजली के बिल में जो टैक्स लगाया गया है हुकूमत की जानिब से 7 रुपये 50 पैसे, पहले इतनी ज़्यादा महंगाई थी, गरीब का चूल्हा ठप हुआ हुआ था और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। जो है विज़िट करेंगे और लोगों से जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि 7 रुपये बिजली बढ़ाने से आवाम को क्या नुकसान है और आवाम का क्या कहना है। आगे चलते हैं और जाके अपनी आवाम से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? आमिर फजल। आमिर फजल भाई, 7 रुपये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7 रुपये 50 पैसे बिजली फिर बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हुकूमत बिल्कुल जो है ना आवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इनको इनके बारे में सोचना चाहिए, जो गरीब आवाम है, जो अमीर आवाम है वो तो उनकी सैलरी अच्छी होगी, कारोबार अच्छा होगा, वो तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मज़दूर तबका है, सैलरीएबल पर्सन है, उनके बारे में इनको सोचना चाहिए। खुद कम अज़ कम 35,000 सैलरी वाला शादीशुदा 2-3 बच्चे हों तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कूलर पंखा चलाने के लिए वो सोचेगा कि यार ये 10,000-15,000 ये तो कम से कम बिल आ रहे हैं। जिनके 35,000 सैलरी है वो पढ़े लिखे हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं ना उनकी 18,000 से 20,000 ये बमुश्किल गुजारा बहुत मुश्किल से होता होगा। तो हुकूमत को इसके बारे में जो है सोचना चाहिए। क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमत पाकिस्तान को यही कहूँगा कि खुदारा अवाम, गरीब अवाम के लिए सोचें, इनको जो है इनकी इमदाद करने की बजाय इनसे इनके खून पसीने से आप पैसे जो है ये निचोड़ के जमा कर रहे हैं, ये गलत बात है। जी भाई का कहना यही है कि गरीब बंदे की जो है खून पसीने की कमाई, इनके पैसों को आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, ज्यादती है। बिजली का जो बम गिरा दिया गया है आवाम के ऊपर वो आपने गलत किया है, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। तनख्वाहदार तबका जो है जिसका 10 से 12,000 रुपया बिल आ जाता है, पीछे उसके पास सेविंग क्या बचेगी? आगे भी चलते हैं और भी भाइयों से जाकर राय लेते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा जी। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, जो है हुकूमत की जानिब से 7 रुपये 50 पैसे फिर बढ़ा दिए गए हैं बिजली का बिल जो है, बिजली का टैक्स, क्या कहना चाहेंगे? गरीबों के ऊपर तो ये बम गिरा दिया गया ना, गरीब क्या करें, काम है नहीं, मजदूरी है नहीं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे गुजर जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं तो सवारी मिलती नहीं है। तो हुकूमत ने तो अपना काम करना, गरीब चाहे खड्डे में जाए, जहां मर्जी जाए। क्या कहना चाहेंगे भाई हुकूमत पाकिस्तान को? हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे और गरीबों का कोई सोच लें। क्या कैसा गुजारा चल रहा है आपका? क्या करें भाई, कैसे गुजारा हो सकता है, हम तो रोने पर मजबूर हो गए हैं, भीख मांगने पर मजबूर है, भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अल्लाह पाक इनको कोई ऐसी हिदायत दे दे कि हमारे गरीबों के लिए ये कोई काम कर सके। बढ़ाना नहीं चाहिए था, काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो हमारे ऊपर बम गिरा दिया। हुकूमत ने तो हमारे ऊपर बम गिरा दिया, आवाम की राय ये है। आगे भी चलते हैं और भी भाइयों से जाके बात करते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत की जानिब से 7 रुपये 50 पैसे बिजली का बिल जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, बिजली सिर्फ करनी है कि आगे भी कुछ कहना है? कोई बिजली हो, आटा हो, चीनी हो, घी हो, क्या क्या बंदा करे, किस किस चीज़ का रोना रोए, हाँ किस किस चीज़ का रोना रहे। ये तो इन्होंने ऐसे ही करना है, 10-12 साल उन्होंने ऐसे ही करना है, ना किसी ने करना है ना कहीं। और हमने भी सोच लिया है कि ना इनको वोट देना है और ना इनको कोई दूसरा कोई करना है कि ये आ जाए, वो आ जाए, वो कोई मसला नहीं है। बम क्या, वो एटम बम गिरा रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को?
हुकूमत का अल्लाह ही हाफज है, इन्होंने तो खाना ही खाना है। वोट किसे डालेंगे यार? किसी को नहीं डालना है, बस फिनिश। मैं नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का माजी हूँ, ठीक है। वो बड़े एक्टिव बंदे हैं, काम करते हैं और करना भी जानते हैं। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है, तो हम जो है ना उनका शुक्रिया अदा करें, लेकिन प्लीज़ हमारा जो है ना ये बिलों पर कोई नज़रसानी की जाए, ताकि गरीब बंदा जो है ना ये बिल जो है ना आसानी से पे कर सके। ये मुस्लिम लीग नून का अपना ही कारकुन है, जो कि मियाँ साहब को भी गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुदारा, बेशक हम आपके सपोर्टर हैं, लेकिन खुदारा बिलों के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन भाई, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली जो है वो 7 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहता हूँ कि ये देखें पहले कितनी महंगाई है, आटा, चीनी, हर चीज़ जो हमारी पहुँच से दूर है, ऊपर से ये बिजली जो है इसका बम गिराई जा रहा है हमारे ऊपर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये फिल फॉर जो आपको इनको वापस लेना चाहिए, ये 7 रुपये जो एक मज़दूर बंदा है, 1000 से 700 या 1000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, वो चीनी पूरी करे, आटा पूरा करे, ये बिल पूरे करे, क्या क्या वो करे, अपने बच्चों को खिलाए, घर में चूल्हे बंद हैं, इनको ये फिल फॉर वापस लेना चाहिए। इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? जिम्मेदार सारे सियासतदान हैं, सारी पार्टी जिम्मेदार है, इन्होंने सब ने मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इमरान खान कैसे लीडर थे? सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर, सब चोर हैं, जितनी भी पार्टियां सब चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बुजुर्गों क्या हाल है आपका? अल्लाह शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली जो है 7 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई जी बिजली ने बताई थे, भाई गरीब बंदा तो मर गया ना, गरीब बंदा अगे खर्चे पूरे नहीं होंगे साढ़े, ये तो असं भाई तबाह जावे की बनेगा। देखो गरीब बंदा तो मर जाएगा, कौन जी इन्हें बिजली भी धाती है, इन्नी बिजली इन्होंने। जिम्मेवार कौन है? सारिया घूमत है जे बहुत सारी। इमरान खान साहब कैसे सी? वो सारे फलाड़िए ने की है ना, एक बार फिर करके वो सारे फलाड़िए गए जिन्हें भी बहते हैं की है ने फलाड़िए। हाँ जी सारे फलाड़िए ने, सारे बड़े जे बहते ने, सारे फलाड़िए ने, जिन्हें भी हुक्मरान ने, सारे चोर ने, किसी ने अवाम नू रिलीफ नहीं दिता, सबज बाग दिखाए ने और लुटते पे ने, अवाम परेशान है, सड़कों पे बुरा हाल है, गर्मी भी है, बेरोजगारी है, खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, आखिर अवाम जाए तो जाए कहाँ। आगे भी चलते हैं और भी जाके भाइयों से बात करते हैं। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम भाई, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 7 रुपये 50 पैसे बिल बढ़ा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो समझता हूँ ये तो ज़्यादती है, लेकिन वो कहते हैं कि जी IMF से कुछ कड़ी शरायत हैं जिसकी बुनियाद पे आपको ये कर्ज़े दिए गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो शरायत ठीक है अपनी जगह, लेकिन आवाम का कुछ सोचें, हम लोग बड़ी परेशानी में हैं। ज़ाहरी बात है जी कि एक महंगाई का आगे इतना ग्राफ ऊपर चला गया है, ऊपर से ये एटम बम गिरा दिया गया है, ये 7-7.5 रुपये का, तो आप देखिए कि हम सब के लिए कितनी परेशानी का आलम है। देखिए हुकूमत का मतलब भी उनको चाहिए कि सबसे पहले महंगाई को कम करें, उसके लिए कुछ मतलब ऐसे इख्तियार करें जिससे हमें फ़ायदा जाए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। क्या नाम सर आपका? पुरम शहजाद। पुरम शहजाद भाई, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली जो है 7 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहें? ये गलत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है हुकूमत करने का, ये दरअसल इतने अर्सा इन्होंने टाइम ज़ाया किया है, आवाम को क्या दे रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, इतनी महंगाई कर दी है, इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए, बिजली महंगी कर दी है, गैस आ ही नहीं रही, वो भी इतना इतना बिल भेज देते हैं, कौन है इनको पूछने वाला है, कोई पूछने वाला? कहते हैं पाकिस्तान है, ये कौन से पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो लंदन में रहते हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये तो गोरों के साथ रले हुए हैं, बेवकूफ़ है, इनको मैं तो समझता हूँ इनको वोट ही ना दें। वोट किसे डालेंगे इस दफा? मैं तो किसी को भी नहीं वोट डालूंगा, ये सही हो ना ये हाई कोर्ट वाले तो इनको सही कर दें, ये देखें हेलमेट पर सख्ती की है इन्होंने, की है ना, तो इनको क्यों नहीं पूछते? इमरान खान कैसे लीडर? इमरान खान ने जो किया उसके आगे आ गया है, इमरान खान को वो आया 4 दिन अपना टाइम गुजार के चला गया है, कोई कारकर्दगी नहीं थी, कोई कारकर्दगी, उसने भी महंगाई की थी, इन्होंने आकर डबल कर दी है, यकीन करें कि बच्चों को पालना, ये कहते हैं ना बच्चों को पढ़ाओ, क्या पढ़ाए बच्चों को, कौन पूछने वाला है भाई इनको, कोई बताए ना जरा, क्या कहना चाहेंगे घूमते पाकिस्तान को? मैं तो कहता हूँ कोई नया आदमी आए जो पाकिस्तान का आदमी हो, ये लंदन वाला ना हो, ये लंदन वाली सियासत ना हमारे ऊपर चलाएं, ये उधर ही जाकर चलाएं, इमरान खान भी ना हो।
हाँ, लोगों की तादाद यही थी कि लोगों का यही कहना था कि खुदारा बिल में जो है वो नुमाया कमी की जाए, बिल जो है वो कम भेजे जाएँ, टैक्स जो है ख़त्म किए जाएँ। पहले इतनी बेरोज़गारी थी, आटा नहीं मिल रहा था, चीनी नहीं मिल रही थी, हर चीज़ महंगी है, आखिर गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ। आपने जो 7 रुपये 50 पैसे बढ़ाए हैं, टैक्स लगाया है बिजली के बिल के ऊपर, ये आपने गलत की है, ज़्यादती की है। और इसके साथ इन नाज़रीन कैमरा मैन शहजाद के साथ राणा नासिर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए D7 न्यूज़। मिलते हैं नए स्टोरी के साथ, नए लोगों के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी।